देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अगले माह 15 अगस्त को पूरे देश में मनाई जाएगी। तो वहीं प्रदेश में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 7500 गांव में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। वो सभी जिला में जिला अध्यक्ष, महासचिव व संयोजकों को जिम्मा सौंपा गया है, जिसके चलते कुल्लू व लाहौल स्पीति के 450 गाँव में ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 10-11 जुलाई को शिमला विकास नगर में हुई थी। उसी कड़ी के बीच आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू विभाग की बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर पूरे प्रदेश के 7500 गाँव में तिरंगा फहराने का निर्णय किया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू विभाग ने भी 450 गाँव में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की अलख जगाना और प्रत्येक लोगों को यह बताना कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, किस प्रकार के बलिदान दिए हैं। यह कार्यक्रम देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त को कुल्लू व लाहौल ज़िला में 450 स्थानों पर किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।